प्यारे बच्चों, आपने पहले शेर और चूहे की कहानी सुनी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने सुना और देखा कि किस तरह शेर ने चूहे पर रहम किया, चूहे को छोड़ दिया, और जब शेर पर मुसीबत आई तो किस तरह चूहे ने शेर की जान बचाई और शेर के एहसान का बदला चुकाया। इस तरह से एक छोटे और कमज़ोर जानवर ने एक ताकतवर और बड़े जानवर की जान बचाई और दोनों पक्के दोस्त बन गए। तो प्यारे बच्चों, हमने किसी भी चीज़ या कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा कमज़ोर क्या ना हो, हमने उसे नाकारा और बेकार नहीं समझना चाहिए। मुसीबत के वक्त वही चीज़ें हमें काम आती है। इसी तरह से दो दोस्त, इस कहानी में आपने सुना कि किस तरह दो दोस्त जंगल की सैर को निकले। रास्ते में उन्हें एक रीछ नज़र आया। एक दोस्त जिसे दरख्त पर चढ़ना आता था, वो झट से दरख्त पर चढ़ गया। उसने ये ना सोचा कि मेरे साथ जो दूसरा दोस्त है उसका क्या होगा। दूसरे दोस्त को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन इसने अपने बड़ों से सुन रखा था कि रीछ मुर्दा जानवरों को नहीं खाता। वो झट से ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। रीछ उसके करीब आया, उसे नाक और कान के पास सूंघा और मुर्दा समझकर चला गया। पहला दोस्त दरख्त पर बैठा ये सब नज़ारा देख रहा था। रीछ चला गया तो वो दरख्त से नीचे उतरा, उसके करीब आया और पूछा, रीछ तुम्हारे इतने करीब आया लेकिन वो तुम्हें सूंघ कर चला गया, तुम्हारे कानों में क्या कहा? दूसरा दोस्त, जो पहले दोस्त की खुदगर्जी देख चुका था, उसने अपने दोस्त को जवाब दिया कि रीछ ने मेरे कान में कहा कि जो दोस्त मुसीबत के वक्त अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दे वो सच्चा दोस्त नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, हम जो दोस्तों के साथ रहते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मुसीबत और परेशानी में उनके काम आना चाहिए। अगर वो बीमार है तो उनके हालचाल पूछें, अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है तो उनकी पढ़ाई में मदद करें, ना कि उनका मजाक बनाए। तो बच्चों, आप इन बातों पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। खुदा हाफिज़।